गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्री का पेपर हो चुका है और उसके आंसर की मांग चल रही थी और मैंने आंसर की लेके लिए आपके लिए लाया हूँ। जो मैंने पढ़ाया था, टेस्ट सीरीज ली थी, उसमें सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। कंप्यूटर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती कहाँ? ये WWF वेब पेज पर पहले वाले खुलने वाले पेज को होम पेज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूप है जिसे जंक मेल कहते हैं? स्पैम, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी एमपीपीएससी इसको पूछ चुका था और फिर रिपीट किया है। जानबूझ का विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में कंप्यूटर तक फैलता है, वायरस कहते हैं। फिर कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आवश्यक नहीं है? तो टेलीफोन नहीं है उसके लिए आवश्यक, इसको देखते हैं। फिर अपना देखते हैं सातवां क्वेश्चन जो आया था, निम्नलिखित में कौन सा साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएँ नहीं हैं? अब देखो, या तो इसका आंसर बी हो सकता है या डी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन इसमें एक्सेप्ट होती है, लेकिन मेरे अनुसार डी है। फिर अपन देखते हैं शब्द का अर्थ, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकारी कंप्यूटर सिस्टम सेंध लगाकर घुसता है जालसाजी के उद्देश्य से जानबूझकर वेबसाइट को हैक करता है, तो ये हैकर इसका आंसर है। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात की बाढ़ के कारण इसे सक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसका टॉर्जन हॉर्स। फिर SC ST क्वेश्चन बहुत पूछे गए, जो मैंने कराए थे, जो मैंने वीडियो डाले थे, उससे सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के डाला है। आर्थिक बहिष्कार जो धारा 2 के गा के खा घड़ी गमले में है ये। फिर अग्रिम जमानत 18 धारा में उल्लेखित है। अनुसूचित जनजाति की जो धारा है, वार्षिक रिपोर्ट किस आर्टिकल में दी जाती है? तो धारा 22 में दी जाती है ये। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति 1989 के अंदर कोई भी व्यक्ति SC ST का सदस्य नहीं है, जादू टोन डाइन अभिकथन अधिसूची करता है, तो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की उसे सजा का प्रावधान किया गया। टोटल धाराएं पूछी, ये मैंने बोला टोटल धाराएं जरूर याद करना, तो 23 धाराएं टोटल इसमें 1989 में। और ये सामूहिक जुर्माना, ये पहले भी पूछा, फिर से रिपीटेड हुआ, 10 के काम में उल्लेखित है। फिर सद्भावपूर्वक कार्रवाई 1955 वाले एक्ट में धारा 14 के अंतर्गत उल्लेखित है। अब देखें, सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 की कंपनी द्वारा अपराध के अपवन धारा 14 में दिए 1955 में। ये सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 संपूर्ण भारत पर लागू होता है, ये मेरे पहली वीडियो में इसको मैंने बताया था। फिर देखें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम 28 सितंबर 1953 को लागू हुआ, प्रवत हुआ। कौन नहीं होता मानव अधिकार में? तो विधि आयोग के सदस्य नहीं होते। मानव अधिकार का पद ग्रहण से 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु में रहता है। फिर देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, ये इसके तहत मानव अधिकार आयोग को क्या समझा जाएगा? सिविल न्यायालय का अधिकार दिए गए हैं। फिर इसमें स्वयं जांच करेगा, मानव अधिकार के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में स्वयं जांच करता है। फिर है राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश किसके परामर्श नियुक्त किया जा सकता है? संबंधित उच्च न्यायालय की सिफारिश पर। राज्य आयोग के अध्यक्ष में पद रिक्ति की दिशा में किसी सदस्य को प्रदेश के रूप में कार्य करने के लिए प्रगतित करने का अधिकार किसके है? तो राज्यपाल के पास है। आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यों का प्रयोग करने के लिए राज्य के लिए नियुक्त करने का अधिकारी समझा, लोक सेवक इसका आंसर है। और राज्य मानव अधिकार अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल के अनुरोध। फिर है मानव अधिकार अधिनियम संरक्षण में सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है? राज्य के सशस्त्र बल नहीं होते, तीनों सेना के सदस्य बल शामिल होते हैं। फिर मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी, ये तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, साई बुलबुल, AGNGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये मैंने जो करंट पढ़ाया था एनवायरमेंट उसका क्वेश्चन आया है। पहला जैविक आधारित इकाई सिक्किम में है। मेट्रोलियन शहर में कौन सा मुख्य वायु, देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड से वाहनों से निकलता है, SO2 क्या होता है वाहनों में हम जो है एथाइल लाइट को यूज़ करते हैं जिससे वो पानी नहीं जम पाए, तो डीजल नहीं जमे इसलिए SO2 उसका में आ जाएगा। दूसरा, फिर है निम्न कौन सा औषधि फसल है, घृत का कुमारी, हरे पौधों में केमिकल एनर्जी में चेंजेस होता है, ये 34 का ए है इसका आंसर। मनुष्य की श्रवण क्षमता ए, 20 हज़ार से 20,000 हर्ट्ज़ तक।
फिर देखते हैं अपन आगे इसमें, निम्न में कौन सा मरुस्थल है मध्य भारत का क्षेत्र? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने पहले बनाया था। कौन सा सुमेरियन नहीं है? तो आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स की कुणाल वासु की पुस्तक नहीं है। कौन जीते थे राज्यसभा सीट 2017 में? संपेता उइके। जनवरी 2018 भारत पाकिस्तान नाविकी ठिकानों की सूची आधार पर उसमें 27 ठिकाने उल्लेखित थे। इन्फोसिस के सीईओ सालिल परेख हैं। आईएमएफ के सदस्य संख्या 189 नंबर नोरू है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? इसका आउट ये नहीं है लेकिन आई थिंक 22 है। अगर आपको इसका आंसर मिलता तो मुझे जरूर बताएं। मध्य प्रदेश राज्य को से उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में आए हैं। अमेरिका के 6 दिसंबर को 2017 डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की राजधानी यरूशलम घोषित की है। गुजरात और तेलंगाना इसका आंसर है। विश्व बैंक और डीआईपी द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें कालिका साख से संबंधित है, प्राचीन काल में सातवा बैस से संबंधित रहा है। सुंग पूर्वज थे मगध के थे। शेरशाह का उत्तर इस्लाम ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रेसिडेंसी सूरत में स्थापित की गई। ब्रिटिश समय पूरी तरह सड़ गया है, सिस्टर निविदा का कथन है। भारत छोड़ो आंदोलन यूसुफ मेहर अली ने दिया है। प्लांट इकोनॉमिक पुस्तक है एम बिस्प सरैया जी। फिर देखते हैं किस नरसंहार को मध्य प्रदेश जलियांवाला का कांड क्या है? चरण पादुका नरसंहार जो हुआ था छतरपुर में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमर्म होता है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमा को छूटता है? यूपी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पाक जलमरु श्रीलंका के मध्य है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन गोदावरी है। इसके बाद कृष्णा का क्षेत्र आता है। नेपा नगर अखबारी कागज कारखाने के लिए प्रसिद्ध है जो मानक समय रीवा के पास से गुजरता है। भावांतर योजना कृषि संबंधित है, 8 फसलों को इसमें लिया गया था। बीएसएफ का जो क्षेत्र है पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्षेत्र है। कारवाक राज्यपाल जस्टिस जी डी दीक्षित जी हैं। ऑर्डिनेंस राज्यपाल 213 के तहत जारी करता है। जीडीपी 16.09%। स्वतंत्र भारत का प्रथम संसदीय सचिव पद का सृजन अधिक 1957 राजस्थान में लागू हुआ था। दूसरी चीज़ में देखना होगा कि आंसर क्या मांगते हैं वो लोग। वैसे 1952 भी हो सकता है, देखना होगा। इसमें 71 371 गा मेघालय है। मणिपुर का इसमें प्रावधान रखा है, इसमें मिजोरम का। एससी की लोकसभा में सीटें 84। आंध्र प्रदेश इसमें रहा है। राज्यसभा सदस्य संख्या उनके 18 नहीं है, कम हो गई है। लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी जो फिजिकल की 1957 में ओपन हुआ, ये मैंने पढ़ाए थे मैप में, उसी में फंसे हैं। एन फांसेट शतरंज से संबंधित शब्दावली है। पहला खेल रत्न जो मिला था विश्वनाथ आनंद को मिला है। लिवरो वॉलीबॉल से संबंधित है। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार उपरोक्त सभी को दिया गया। मैराथन रेस 22 किलोमीटर की होती है। किस भारतीय खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला था एकल में? अभिनव बिंद्रा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। वह खिलाड़ी जिसने अर्जुन अवार्ड जीते? पुलेला गोपीचंद। चंबल घाटी इसका आंसर, ब्रंस घाटी में नहीं होती चंबल घाटी। धूपगढ़ महादेव पर्वत, ये तो हर साल आने वाला क्वेश्चन है। फिर देखते हैं चंबल नदी नहीं में नहीं मिलती तो बेतवा यमुना मिलती है। मध्य प्रदेश से कौन सा गुजरात राजस्थान की सीमा होता है? तो झाबुआ। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी। मलाशंख किस खनिज के लिए तांबा? 2017 में बजट ए अमयूक को दिया गया था 700 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग सुजालपुर से नहीं गुजरता, गुजरी महल मानसी ने बनवाया था। मध्य प्रदेश किस जनजाति संख्या सर्वाधिक है? तो ये अलीराजपुर की डेन झाबुआ की। फिर देखते हैं डिंडोरी में सबसे अधिक रहा है लिंगानुपात। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव आरएस खन्ना नहीं रहे, नरोना जी रहे हैं। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति 1995 में बनाई गई। तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण आईएफडी दे रहा है इसमें पैसा। भारतीय मुख्यमंत्री सड़क योजना 2010। एमपी इक्विनेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016।
फ्रेंड्स ऑफ इनक्लूम इंदौर में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो ने अभी 14-16 दी जाती है, लेकिन 16 आंसर होगा इसका, और फिर अगर आपको आंसर इसका मिलता है तो मुझे बताएं।